हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमेशा टेक और आज हम यहां पर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले यूट्यूब मनी से परचेज किए हुए एक स्मार्टफोन के बारे में। और जो स्मार्टफोन है वो कंपनी का नाम है सैमसंग, और कौन सा इसमें ब्रांड है और कौन सा मॉडल नंबर है वो जल्दी हम इसको अनबॉक्सिंग करके आपको बताने वाले है। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों, हमने थोड़ा इसको जो है पहले ही थोड़ा इसको कट कर दिया है ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो है YouTube मनी से इसको परचेस किया है, Samsung Galaxy M31। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये स्मार्टफोन Samsung का। और मैं आपको बता दूं कि जो ये स्मार्टफोन हमने परचेस करा है वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे हैं हमने, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था फ्रेंड तो इसकी जो कीमत थी वो थी लगभग 16,000 रुपये 128 रैम वाले वेरिएंट की। लेकिन जो हमने भी परचेस किया है क्योंकि वो चाइना की जो यहाँ पर जो मैटर हुआ था इंडिया और चाइना के बॉर्डर मामले में, तो उस वजह से यहाँ पर जो है 1000 हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े क्योंकि यहाँ पर जो है रेट बढ़ चुके थे। तो अब यहाँ पर हम इसको जल्द ही आपको खोल कर दिखाने वाले है M31 कैसा दिखता है और हमने क्या इसको किस लिए परचेस किया है हम ये बताएंगे आपको। हमने यहाँ पर जिसको जो परचेस किया है दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो मोटिव है वो यूट्यूब मनी से इसको परचेस करने का यही मकसद है कि हम यूट्यूब वीडियो यहाँ पर बना सके, क्योंकि यहाँ पर हमें सैमसंग का स्मार्टफोन मिलता है और इसमें हमें जो है यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का जो है यहाँ पर बैक में कैमरा मिलेगा, जिससे हम अपनी जो है वीडियो को शानदार तरीके से शूट कर पाएंगे यूट्यूब वीडियो के लिए। और यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो है अनबॉक्सिंग कर दिया है हमने इसको और आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर आपको जो है थोड़ा वीडियो में थोड़ा देखने में या फिर आपको अनबॉक्सिंग थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि जो है फिलहाल हमारे पास इतने जो कुछ है इक्विपमेंट नहीं है कि हम यहाँ पर जो है सही तरीके से अनबॉक्सिंग कर पाए, क्योंकि हमारे जो अभी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो सिर्फ एक हैंड से। मेरा जो पुराना मोबाइल है वो बहुत ही कमज़ोर, जो ख़राब कैमरा क्वालिटी है वो है, और दूसरी तरफ जो है हम यहाँ पर एक फ़ोन जो एक हाथ से हमने फ़ोन पकड़ लगा है और दूसरे हाथ से सिर्फ एक हाथ ही है हमारे लिए यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने के लिए। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, जब इनका अनबॉक्सिंग करते हैं तो हमको यहाँ पर एक बिल मिलता है, और बिल के अलावा यहाँ पर देखिए हमें जो है वाइड चार्जर मिला है। हमने बहुत से यूट्यूब के जो मैंने ये स्मार्टफोन जो परचेस किया था फ्रेंड सैमसंग M31, इससे पहले जो मैंने यहाँ पर वीडियो देखे थे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर जो है हमको ब्लैक चार्जर दिखा गया था, लेकिन मेरे जो है मुझे वाइड चार्जर यहाँ पर दिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सैमसंग का वाइड चार्जर हमें मिला है। यहाँ पर आप कंपनी भी देख सकते हैं सैमसंग की, शायद आपको अच्छे से ना दिखे क्योंकि थोड़ा हमारी जो पुराना जो स्मार्टफोन है ये इसकी थोड़ी कैमरा क्वालिटी बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सैमसंग का जो मोबाइल है इसका ये चार्जर है 15 वाट वाला, और ये जो है लीड है, और इसमें जो गाइड है शायद यहाँ पर पीछे है, तो हम यहाँ से आपको जो निकाल के बताते हैं। देखिए, यहाँ से हमें सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर है, और बस यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन है। तो ये हो गई अनबॉक्सिंग। अब हम यहाँ पर जो है इस मोबाइल को ऑन करते हैं थोड़ा कैसा दिखने में कैसा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यूट्यूब पर इसके रिव्यू देखे हैं और असल में अब हमारे हाथ में ये आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे जो ये इसको है इसको थोड़ा यहाँ से हम हटा देते हैं पन्नी को। देखिए, अब यहाँ से जो हमारे सामने ओपन हो चुका है फ्रेंड, ये कुछ ऐसा बूट हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी M31। ये हमने इसे जो है देखिए फ्रेंड, क्योंकि मेरा जो ये डिवाइस है ये पहले से बूटेबल होके आया था, क्योंकि सेटअप वगैरह इसका पूरा कंप्लीट होके आया था। तो ये आपको डायरेक्ट ही देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर इसको ओपन किया हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ चुकी है, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर पिन डाल सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए 2 सेकंड के लिए फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये फ़ोन जो है अब स्टार्टिंग हो चुका है, जैसे ही हमने इसका लॉक जो है अनलॉक किया, देखिए ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है।
और आप अब देख रहे हैं आपके सामने है सैमसंग का M31 गैलेक्सी M31। दोस्तों आपको यहाँ पर नोच नहीं दिख रहेगी तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद सैमसंग का जो है गैलेक्सी M31 नहीं है, लेकिन हमने जो है यहाँ पर इसकी नोच वो हाइड कर दी थी जब यहाँ पर हमने फर्स्ट बार इसको ओपन किया था सील से, क्योंकि ये जो हमने अमेजोन से परचेज़ किया था। और अमेजोन से कोई भी अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करते हो फ्रेंड, तो एक बार जब उसे आप अनबॉक्स करते हो तो उसका जो है वीडियो आपको बनाना पड़ता है सेपरेटली, ताकि अगर आपके पास प्रोडक्ट में अगर डैमेज आए तो आप वापस उसको रिटर्न करना आपके लिए ईजी हो। तो यहाँ पर मैं आपको नोच वापस लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पर देखिए हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद हमको यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर और दूसरे ऑप्शन से हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन से चलते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पर है, क्योंकि हम यहाँ पर जो नोच है वो दो तीन तरह के हमें ऑप्शन मिलते हैं नोच बंद, यहाँ पर नोच को ऑन ऑफ करने के जो सिंपल मेथड है वो यही है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन में हमको आना है। डिस्प्ले वाले में यहाँ के फुल स्क्रीन वाले पर हमको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर हाइड कैमरा कटआउट, तो यहाँ पर सिंपली हमको ऑफ कर देना। अब देखिए आपको यहाँ पर नोच दिख रही होगी और यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं नोच हाइड हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है सैमसंग गैलेक्सी नोट की जो है जो इसमें हम नोच जो है उस भी हाइड कर सकते हैं। तो फिर आप हमें कमेंट बताना है कि जो हम यूट्यूब वीडियो के शूटिंग के लिए हमने जो स्मार्टफोन परचेज किया है सैमसंग गैलेक्सी का M31 वो कैसा रहेगा, और जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो कितनी अच्छी रहने वाली है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब यूट्यूब पर तो हम इसी स्मार्टफोन से जो है कैप्चर करेंगे, उसे इसी स्मार्टफोन से शूट करेंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।